गाइस एंड वेलकम टू एचसीटीवी, एक नए एपिसोड और एक ताजे एपिसोड के साथ। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सबॉक्स शोकेस की। हाँ, तुमने सही सुना, एक्सबॉक्स शोकेस। गेम फेस्ट के जस्ट दो दिन बाद एक्सबॉक्स शोकेस था, उसके जस्ट एक दिन बाद यूबीसॉफ्ट कनेक्ट था। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स हमें गेम से रिलेटेड आए हैं यहाँ पे। अगर मैं एक्सबॉक्स शोकेस को तुम्हें शॉर्ट में समझाऊँ तो ये पूरा शोकेस प्रीक्वल और तो और एक्सपेंशन के ऊपर था। पर यही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ऑफकोर्स सी बात है, यही दो चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे नए गेम्स, बहुत सारे सीक्वल भी थे ऐसे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही मस्त वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाओ। और यार, तुम जैसे अच्छे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि ये क्वालिटी कंटेंट लोग मिस ना कर पाए। तो आओ चले इस गेम की दुनिया में वापस से हम, और रूबरू हूँ गेम के संग। भाई क्या हो रहा है? तो सबसे पहली चीज जो कि एक्सबॉक्स शोकेस के स्टार्ट होते ही हमें दिखाई गई वो थी कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक्सबॉक्स ने एक्टिविजन को खरीद लिया है। और हाँ मेरे दोस्तों, तुमने सही सोचा, अब तुम सारी की सारी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स एक्सबॉक्स पे खेल सकते हो। ये जो नया ब्लैक ऑप्स आ रहा है वो जस्ट कोल्ड वॉर के इवेंट के बाद की स्टोरी है। अगर तुमने कभी भी कोई सी भी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेली है तो मेरा सजेशन है कि तुम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 से स्टार्ट करो, क्योंकि वो एक सॉफ्ट रिबूट था। बाकी अगर तुम्हें सारी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है तो वो शायद से जल्द एक्सबॉक्स गेम पास के ऊपर भी आ सकती है। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 आ रही है 25th अक्टूबर को PS5, PC और अगला गेम जो यहाँ पे शोकेस किया गया था वो था डूम द डार्क एजेस। डूम की भी एक और नई गेम आ रही है, पर ये सीक्वल नहीं, प्रीक्वल है। एक्सबॉक्स शोकेस पर रिवील किया गया कि डूम द डार्क एजेस जो गेम है वो डूम 2016 और डूम इटरनल का प्रीक्वल है। ट्रेलर इतना सुंदर था, मतलब क्लासिक डूम हैक एंड स्लैश। भाई इसमें जॉर्ड भी था, हाँ भाई मेगा जॉर्ड भी था इसमें, प्लस एक ड्रैगन भी था जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हाय, ये गेम तगड़ी होने वाली है। इसकी जो रिलीज डेट है वो 2025 में है, पर अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है। ये आएगी PC एंड एक्सबॉक्स। अरे यार क्या हो रहा है बार बार। तो जो अगली गेम निकल के आ रही है वो है मेटल गियर सॉलिड डेल्टा, उसका रीमेक आ रहा है। मेटल गियर सॉलिड डेल्टा जो है वो 2004 की मेटल गियर सॉलिड डेल्टा स्नेक ईटर का रीमेक है। इसके भाई ट्रेलर के अंदर बहुत ही तगड़ी झलक दिखाई गई कि हम पूरा का पूरा मिशन जो है वो अपने आप कैरी ऑन करते हैं, जिसमें हमें वेपन से लेकर खाने तक सब इंतजाम हमें खुद ही करना पड़ता है। एक तरफ से खाली हाथ जाएंगे और हमें अपना सारा सामान एनिमी की बेस से ही इकट्ठा करना होगा। बट भाई बहुत ही अच्छा ट्रेलर लग रहा है मेटल गियर सॉलिड का, जो की आ रही है इसी साल 2024 में, बट अभी तक डेट अनाउंस नहीं की है। ये आ रही है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस और PS5 पे। जो गेम यहाँ पे निकल के आ रही है वो है परफेक्ट डार्क। अगर तुमने परफेक्ट डार्क सुना हुआ है तो पुराने वाले परफेक्ट डार्क का रीमेक है। जब मैंने परफेक्ट डार्क का ट्रेलर देखा तो सबसे पहले देख के मेरे को लगा कि एक तरीके से ये हिटमैन का ट्रेलर विद फीमेल प्रोटैगनिस्ट तो नहीं, पर जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता गया वैसे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। इट वॉज लाइक हिटमैन प्लस मिरर्स एज प्लस वॉच डॉग्स। मेरे को इसका कंसेप्ट काफी अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लग रही है ये मेरे को। थोड़ा सा कह सकते हैं कि हिटमैन का एडवांस वर्जन है, जिसमें हम हैकिंग भी करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने टारगेट को, और इसके अंदर पार्कोर भी है, और तो और इसके पास एक्सरे विजन्स भी हैं, जिससे ये वॉल के थ्रू देख सकती है, और तो और इसका कॉम्बैट सिस्टम जो कि ट्रेलर में दिखाया गया, भाई इट इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। परफेक्ट डार्क की अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, पर ये आ रहा है PC और एक्स। अब जो अगला गेम निकल के आ रहा है भाई साहब, उसको देख के मैं पहले ही समझ गया था कि ये किसी से रिलेटेड। तो तुमने काफी सारी गेम खेली होगी जिसमें एडवेंचर स्टोरी लाइन होती है, जैसे अनचार्टेड सीरीज, टूम रीडर सीरीज और काफी सीरीज जिनके अंदर बहुत सारा एक्सप्लोरेशन और काफी सारी हिडन चीजें हमें ढूंढनी पड़ती हैं। और ये जो नया गेम आ रहा है वो फेमस मूवी एंड कैरेक्टर इंडियाना जोन्स के ऊपर आ रहा है। जैसा कि हम काफी सारे एडवेंचर गेम में देखते हैं कि मेन कैरेक्टर कुछ ढूंढने के लिए निकला होता है और उसी के साथ ही एक विलन ग्रुप भी होता है जो उसी चीज को ढूंढ रहा होता है, ऐसा हमें ट्रेलर के अंदर से ही पता चल रहा है। एंड आई एम श्योर ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने और तुमने अनचार्टेड की सीरीज में या फिर टूम रीडर की सीरीज में देखा था।
अब गेम कैसा है वो तो भाई खेल के ही पता चलेगा। इंडियाना जोन्स आ रहा है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस और पीसी, ये भी 2024 में आ रहा है पर इसकी कोई भी डेट अभी अनाउंस नहीं। इसी के साथ साथ काफी सारे एक्सपेंशन भी आ रहे हैं, जैसे फॉलोआउट 76 का एक नया एक्सपेंशन आ रहा है और तो और स्टारफील्ड का भी एक्सपेंशन आ रहा है और भी काफी सारी गेम्स का अनाउंसमेंट हुआ था जिसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा एक्सबॉक्स शोकेस का। मैं 2 घंटे का पूरा एक्सबॉक्स शोकेस अगर देखना हो तो तुम जाके नीचे लिंक में एक्सबॉक्स शोकेस देख सकते हो और तुम सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर। अरे हाँ, खेल लेंगे गेम पास लेकर डे 1 पे।